नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। उत्तराखंड विधानसभा में खुली भर्ती मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी ने विधानसभा भर्ती के मामले में विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि अनियमितता मिलने पर इन भर्तियों को निरस्त करें। उन्होंने कहा कि सुशासन हमारा ध्येय है और हम इस पर अटल हैं। इस पर फैसला लेते हुए आज रितु खंडूरी ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसका सीएम धामी ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि विधानसभा में बैकडोर से लगी नेताओं के रिश्तेदारों की नौकरियों पर हो रहे खुलासे के बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा है। इसी क्रम में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भर्तियों के मामलों में विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि विधानसभा सचिवालय में की गई विवादित भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच कराकर अनियमितता पाई जाने वाली सभी भर्तियों को निरस्त करें। इस पर आज रितु खंडूरी ने विधानसभा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा प्रदेश का सर्वोच्च सदन है, इसकी गरिमा को बनाए और बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं बल्कि कर्तव्य है। अध्यक्ष ने आगे कहा कि मंदिर सदस्य ही संघ सम्मेलन में शामिल होने कनाडा गई थी। इस बीच मीडिया के जरिए विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के बारे में जानकारी मिली तो इस पर दिल्ली में 2-3 दिन तक इस पर विचार विमर्श और मंथन किया। अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व प्रमुख सचिव डीके कोटिया की अध्यक्षता में जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें पूर्व सचिव सुरेंद्र सिंह रावत और कुमाऊं मंडल के पूर्व कमिश्नर अनवेंद्र नयाल सदस्य होंगे। ये तीनों इस मामले के विशेषज्ञ भी हैं, इसलिए कमेटी 1 महीने के अंदर जांच सौंपेंगी और फिर इसके आधार पर कड़ा फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जांच कमेटी जब भी सचिव सिंघल को पूछताछ या दस्तावेजों के बाबत बुलाएगी उन्हें पेश होना पड़ेगा। 3 सदस्यीय टीम का गठन क्या युवाओं को इंसाफ दिला पाएगा और कितना वक्त लगेगा उन युवाओं का भरोसा वापस लाने में जिनके साथ इस घोटाले में नाइंसाफी हुई है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब धामी सरकार के लिए चुनौती साबित होने वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि कैसे सरकार इन चुनौतियों से निपटकर युवाओं को सही दिशा में ले जाती है। आप बने रहिए ऐसे ही अपडेट के लिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।